सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक प्रोटीज चैनल को और पाइए स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। यूएस और चाइना के बीच चल रहे ट्रेड डील में एक तब्दीली होने की वजह से हम वॉल स्ट्रीट को अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में भी हमें एक सिग्निफिकेंट अपसाइड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से कल हमें मार्केट में थोड़ी सी अप ट्रेंड देखने को मिल सकती है और निफ्टी हमें फिर से 12,100 के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इंडियन एडीआर की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे मोस्टली हमें सभी स्टॉक्स में एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल जाता है, लेकिन हम सिर्फ वेदांता के केस में यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर को फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं। तो इसे देखते हुए कल आप इन सब स्टॉक्स में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे चार स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें कल आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है इसमें आज हम एक सिग्निफिकेंट अपट्रेंड को देख पा रहे हैं। इसने अपने सभी क्रूशियल ईएमए लेवल के काफी ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर में भी हम एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं और अगर कल मार्केट में एक तेजी का सिचुएशन बनता है तो हम इस स्टॉक में भी इसे रिफ्लेक्ट होता हुआ देख सकते हैं। इस स्टॉक का नाम है एचडीएफसी और आज इसने अपना 52 वीक हाई फॉर्म करने के बाद इसके जस्ट नीचे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके ऑर्डर बुक में अभी भी हम बायर साइड में कुछ स्टॉक्स को देख पा रहे हैं और यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि इतने हायर वैल्यूएशन पे भी हम यहाँ पे 66% से भी ज्यादा एक डिलीवरेबल क्वांटिटी को देख पा रहे हैं और यहाँ पे इसके स्टॉक ऑप्शंस में भी हमें हायर लेवल्स में कॉल साइड में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाता है। तो आप इस वजह से कल इस स्टॉक को बाय साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक है यहाँ भी आज हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसने भी आज अपने सभी क्रूशियल ईएमए लेवल्स और वीवाप लेवल के काफी ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। हम यहाँ पे इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसईडी इंडिकेटर जो कि इसका ट्रेंड इंडिकेटर्स है यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं जिस वजह से कल भी हमें इस स्टॉक में ये बाइंग प्रेशर जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इस स्टॉक का नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस और अभी भी हम इसके ऑर्डर बुक में बायर साइड में लगभग 1450 के आसपास स्टॉक्स को देख सकते हैं। आज हमें इस स्टॉक में लगभग 51% का एक सिग्निफिकेंट डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिल जाता है और हम यहाँ पे इसके स्टॉक ऑप्शंस में भी हायर कॉल साइड में यहाँ पे बायर साइड में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स को देख पा रहे हैं जिस वजह से कल भी हमें इस स्टॉक में ये तेजी कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप कल इस स्टॉक को भी बाय साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टॉक है यहाँ भी आपको आज इंट्राडे के दौरान एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल जाता है। अभी भी हम इसके आवर्ली कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। अभी भी ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर में एक बाइंग प्रेशर को फॉर्म कर रहा है तो कल अगर मार्केट अपसाइड में ओपन होता है और इसमें थोड़ी सी तेजी हमें देखने को मिलती है तो हम इस स्टॉक में भी इसे बरकरार रहता हुआ देख सकते हैं। इस स्टॉक का नाम है ICICI बैंक। आज इसमें लगभग 0.5% का एक नॉमिनल अपसाइड देखे जाने के बावजूद हम कल इस स्टॉक पे काफी ज्यादा बुलिश हैं क्योंकि काफी दिनों से हमें इस स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल जाता है और आज भी हम इसमें 52% का एक डिलीवरेबल क्वांटिटी को देख पा रहे हैं। इसके जो ऑप्शन चेन है यहाँ पे आपको कॉल साइड में काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हायर लेवल्स पे देखने को मिल जाता है और हम यहाँ पे 540 से लेके 550 के बीच में काफी ज्यादा कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ दिख पा रहे हैं। तो कल आप इस वजह से इस स्टॉक को भी बाय साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद जो आखिरी स्टॉक है यहाँ भी आज हम इंट्राडे के दौरान एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को देख पा रहे हैं। इसने भी अपने 50 डेज के ईएमए लाइन के काफी ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर में भी हम एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को देख सकते हैं जिस वजह से कल भी हमें स्टॉक में ये तेजी कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है।
इस स्टॉक का नाम है इंद्रप्रस्थ गैस, जिसे हम सब IGL के नाम से जानते हैं। आज इसमें लगभग 2% का एक रैली देखे जाने के बावजूद हम यहाँ पे ऑर्डर बुक में अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग क्वांटिटी को देख पा रहे हैं। इसमें भी आज हमें लगभग 42% का एक स्ट्रॉन्ग डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिल जाता है, और हम यहाँ पे इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में भी काफी ज्यादा बाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप कल इस स्टॉक को बाय साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। 16 दिसंबर को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सभी के पास 1000 करोड़ का अपना IPO का DHFP को फाइल कर दी है। तो हमें इसके 6 to 8 weeks के बाद इस स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO मार्केट में लॉन्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस IPO के जरिए कंपनी 500 करोड़ का एक फ्रेश शेयर इशू कर सकती है। और यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, इस बैंक का जो फाइनेंशियल है वो कुछ अच्छे नहीं है, और हम यहाँ पे इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसे काफी ज्यादा देख पा रहे हैं, जो कि 6.06% है। इस वजह से आपको इस इशू में अप्लाई करने से पहले काफी ज्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला न्यूज हम देख सकते हैं वो है इसार स्टील और SBI के बारे में। इसार स्टील से काफी बड़ा लोन रिकवरी होने के बाद हमें SBI का जो Q3 नंबर है उसमें एक सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले ये एक बैड लोन था, इस वजह से बैंक को इस वजह से एक बड़ा प्रोविजनिंग करना पड़ सकता था। लेकिन ये बैड लोन रिकवर होने की वजह से हमें इसके फाइनेंशियल्स में Q3 में एक काफी अच्छा नंबर्स देखने को मिल सकता है। तो आपको SBI के स्टॉक को अगले कुछ दिनों तक ट्रैक करते रहना चाहिए। इसके बाद जो आखिरी न्यूज हम देख सकते हैं वो है ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मूडी के बारे में, जिसने इंडियन ऑटोमेकर्स के बारे में जो अपना सेंटीमेंट है वो अभी भी नेगेटिव जारी किया हुआ है, जिस वजह से हमें ग्लोबल ऑटोमेकर्स और इंडियन ऑटोमेकर्स का जो 2020 का आउटलुक है उसमें थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट अभी भी देखने को मिल जाता है। इस वजह से अगर आप करंट वैल्यूएशन पे इन सब ऑटो स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ अपना होमवर्क कंप्लीट पहले से कर लेना चाहिए। टुडे वॉल स्ट्रीट रिकॉर्ड हाई पे ओपन होने के बाद अगर हम निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हमें आज एक बेयरिश कैंडल देखने को मिल जाता है, क्योंकि आज इसने अपने लाइफ टाइम हाई के जस्ट नीचे अपना ओपनिंग दिया था। इसके बाद हमें इसमें थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यह अभी भी अपने 9 डेज और 21 डेज के क्रूशियल EMA लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ग्लोबल क्यू अच्छे होने की वजह से कल हमें फिर से इसमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके RSI लेवल को करेंटली हम 58 के आसपास देख सकते हैं, जिसमें कल हमें फिर से एक तब्दीली होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हम इसके पुट साइड में करेंटली 12,000 के स्ट्राइक पे 3.76 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड होता हुआ देख पाएंगे, और अभी भी हमें इस लेवल पे 17,44,125 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल अभी भी हमारे लिए एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है, और अगर हम थोड़ा नीचे यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हम 11,950 के लेवल्स पे 3.27 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं। इस लेवल पे हम 10,91,000 से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। तो अगर 12,000 का लेवल टूटता है तो हम निफ्टी को अगले कुछ ही दिनों में 11,950 की ओर ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं। अगर हम इसके कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें 11,100 के स्ट्राइक पे 11,22,225 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हम इस लेवल पे 23,03,925 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। इसे देखते हुए हमें यह पता चलता है कल हमें निफ्टी 12,100 के लेवल्स को ब्रीच करता हुआ दिखाई दे सकता है, और इसमें हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके बाद बैंक निफ्टी की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हमें आज फिर से इसमें एक हायर हाई फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने भी अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास अपना ओपनिंग देने के बाद हमें इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाता है, और इसमें भी हम सेम सिनेरियो को देख पा रहे हैं। ये अपने क्रूशियल 9 डेज और 21 डेज के EMA लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसमें कल हमें थोड़ी सी और बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकती है। इसके RSI लेवल में आज हम एक साइडवे ट्रेंड को देख सकते हैं जो करेंटली 62 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और कल हमें इसमें थोड़ी सी अपसाइड देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम इसके
ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं, तो यहाँ पे हम इसके पुट साइड में 31,500 के स्ट्राइक पे 2 लाख पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल पे हम 5.87 लाख 840 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख पा रहे हैं। तो कल के लिए ये लेवल हमें लोअर साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि हम 32,000 के स्ट्राइक पे यहाँ पे इन द मनी पुट कॉन्ट्रैक्ट्स में 1.44 लाख 120 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं। इस लेवल पे हम 6 लाख से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। तो कल अगर निफ्टी बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर अपना ओपनिंग देता है तो हमारे लिए 32,000 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरह काम कर सकता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हम फिर से 32,000 के स्ट्राइक पे ही 2.33 लाख 660 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल पे हमें 5.7 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल के लिए ये लेवल हमारे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो हम बैंक निफ्टी को 32,500 की ओर कल ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि इस लेवल पे भी हमें भारी कॉल राइटिंग देखने को मिल जाता है और हम इस लेवल पे 5.97 लाख से भी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट अक्रॉस सोशल मीडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग।